घरों या ऑफिसेज में पेंट होता है, इसका असर आपके बच्चों की जिंदगी पर भी डल रहा है। सुनकर चौंकी नहीं, ये सच है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जो बता रही है जिन चीजों में लेड यानी सीसा होता है वो आपकी और आपके बच्चों की सेहत खराब कर रही है। इतना ही नहीं, इससे हर साल तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। नमस्ते, मैं हूं ऋषभ कांत, आप हैं मंच पर। लेड से लेड पॉइजनिंग या लेड पॉल्यूशन होने की बात सामने आ रही है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि लेड पॉइजनिंग की वजह से हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। वहीं 80 करोड़ बच्चे लेड पॉल्यूशन की वजह से सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इनमें एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, इम्यूनोटॉक्सिटी जैसी बीमारियां शामिल हैं। लेड को लेकर जारी की गई गाइडलाइन कहती है कि अगर ब्लड में लेड की मात्रा 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो तो हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। लेड के ज्यादा संपर्क में रहने से हार्ट, लीवर, किडनी से जुड़ी बीमारियों से लेकर मेंटल हेल्थ और सोचने समझने की क्षमता पर असर हो सकता है। अब सवाल है कि आखिर कैसे फैलता है ये पॉल्यूशन? लेड पॉल्यूशन फैलने की कई वजह हैं, जैसे माइनिंग, धातु गलाने के कारखाने, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, बैटरी, गोला बारूद, इसके साथ ही लेड वाले पेंट या खिलौने से भी खतरा है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्यूशन IHME के मुताबिक साल 2019 में हेल्थ पर लंबे वक्त तक पड़ने वाले असर से दुनिया भर में 9 लाख मौतें हुई। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मिडिल आय वाले देशों में देखा गया। हालांकि WHO की माने तो लेड के संपर्क में आने से कोई सुरक्षित स्तर नहीं है। इसकी मामूली सी मात्रा भी बच्चों की हेल्थ पर असर डालती है। देखा जाए तो पिछले 10 सालों में पेंट में लेड के इस्तेमाल में कमी दर्ज की गई। दुनिया के 84 से भी ज्यादा देशों के पास अब लेड पेंट की प्रोडक्शन, इंपोर्ट और सेल की लिमिट के लिए कानून बनाए गए हैं। इसी तरह से पेट्रोल में भी इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।